रुक जाओ, मैंने देख लिया, मैं देख लिया, देख लिया, देख लिया, मैंने देख लिया। आपने क्या बोला? एक मिनट, आपने क्या बोला? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर जीत सिंह। हाँ जी, डॉक्टर जीत सिंह नाम। डॉक्टर जीत सिंह, डॉक्टर जीत सिंह, डॉक्टर। आपने क्या बोला? भारत पिता की जय। भारत किस विषय में आपकी थीसिस है सर? थीसिस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में? सच में बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं आप। माता की जय, माता की जय। आ गया बाबू, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ गया, आ जाओ। शो तो मैं खत्म ही कर देता हूँ अभी। क्या नाम है बाबू? जय कुमार है सर। जय कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। सामाजिक कार्य करता है? आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है? नहीं सर। जैसे डॉक्टर जय सिंह जी के पास है वैसी डिग्री आपके पास? भारत माता की डिग्री है सर हमारे पास में। तो नहीं तो ऐसा क्यों नहीं है कि ये बताइए कि आपके पास डॉक्टर जय सिंह जैसी डिग्री क्यों नहीं है जिसमें वो भारत पिता की जय बोलते हैं? कण कण में भारत माता है सर हमारे। डॉक्टर जय सिंह जी, किस विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने एग्रीकल्चर में? किससे? अरे उसका नाम पता चलेगा तो वो भी बेइज्जती है। उस विश्वविद्यालय का नाम पता करना भी बेइज्जती हो जाए। डॉक्टर साहब मुझे नहीं मालूम आपने किस वजह से ये बात कही, लेकिन मुझे इस पे बड़ा आश्चर्य है कि आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है, वो शख्स भारत माता की जय की डिग्री लगाता। अरे उसमें कोई कांग्रेस बीजेपी थोड़ी ना हो जाता है? नहीं होता। तो फिर आपने भारत पिता की जय क्यों कहा? टॉन्टिंग चल रही है आजकल भारत माता का नाम लेकर। ये टॉन्टिंग चल रही है भारत माता की नाम? भारत माता की जय। हाँ जी, हाँ जी, बाहर फेंको। ये बंदा तमाशा मचा रहा है, ये तमाशा चल रहा है, ये डिबेट चल रहा है। क्या काम करते हो भैया? ये डिबेट चल रहा है। ये क्या काम करते हो? हम भैया करते हैं कैटरिंग में काम करते हैं। अंदर आओ। भारत माता की, तुमको सैल्यूट करता हूं मैं। उत्तराखंड की जय। बोलो डॉक्टर जय सिंह जी, अंदर आइए, अंदर आइए। तुम डॉक्टर में कबाड़ी हैं? तुम डॉक्टर में कबाड़ी? नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तुम मत करना। नहीं डॉक्टर साहब तुम मत करना। मैं तुम कर, तुम आ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ जाके वहाँ पे। सर्टिफिकेट दी है मुझे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपका, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब डरो, एक मिनट रुको। डॉक्टर साहब बहुत बहुत सम्मान आपका, मैंने आपको इसलिए बुलाया था। कौन सी किताब आजकल पढ़ रहे हैं? थोड़ी तो डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी है, बहुत बहुत सम्मान है आपका। काम वो करना चाहिए जिससे समाज में एक उदाहरण बने और लोग सीखें, है ना डॉक्टर साहब? और जब भी गलती हो जाए उसके लिए तुरंत माफी मांग ले लीजिए। मैंने ऐसा सीखा है, तुरंत माफी। उससे होता क्या है ना, सम्मान और बढ़ता है व्यक्ति का। ये माफी मांगने का विषय नहीं था, क्योंकि ये जो टॉन्टिंग के लिए भारत माता को यूज। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? टॉन्टिंग करते हैं। रहने वाले कहाँ के? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में कहाँ के? सोड़िया नांगले के पास है। नांगले के? मुंडका गाँव का हूँ। मुंडका गाँव के? गाँव तो मैं गया हूँ, वहाँ तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं। बिल्कुल, और स्पेशल काम भी करते हैं। तो आज आपका टॉन्टिंग करते हैं? मैं नहीं टॉन्टिंग करता, भारत पिता बोलते हैं। तो ये हुटिंग होती है ये? तो भारत पिता बोलते हैं आप? बोला है मैंने भारत पिता। आइए, आपका सम्मान है, आइए आइए। और तुम यही खड़ा रहना बीच में। तुम इन्होंने कहा कि मैं कबाड़ी हूँ, मैं कबाड़ी, और मैं कबाड़ी होने के नाते तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। भारत माता बोलते हो तुम, बिल्कुल, इसलिए तुम्हारा सम्मान है। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड एंड नो, और मेरे प्रोग्राम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीच में दूसरा कोई नहीं बोलेगा, हाथ उठाएगा उसके बाद मैं आऊंगा। जी प्रतीक जी, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो कांग्रेस जो भारत की आजादी के लिए लड़ती थी उसने आज सत्ता के लिए अपने आप को किस कदर बना दिया कि उसके समर्थक भारत माता की जय को टॉन्टिंग समझने लगते हैं। हजारों लोगों की भीड़ है, वो टॉन्टिंग, और टॉन्टिंग ये कहीं व्यक्ति को समझ में आती है, इससे पता चलता है राहुल गांधी जी के आज पास आज कितना जनाधार बचा है, क्या जन समर्थन है। यही स्थिति रहेगी। मैं कांग्रेस की भलाई के लिए कह रहा हूँ, लौट आइए उस मुख्य धारा की ओर जो राष्ट्रवाद के खिलाफ खड़ी नहीं थी, जो सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं करती थी, जिस इंदिरा गांधी ने युद्ध 1971 का युद्ध जीता, जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं पूछती। दुनिया में भारत इकलौता राष्ट्र है ज-
जहां राजनीतिक विचारधारा अलग होने पर सेना के ऊपर भी सवाल पूछ लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत भी मांगते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, मैं आ रहा हूं आपका साहब क्योंकि चांस लो सर, मैं आऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन भारत माता के ऊपर कोई कहे ये टॉन्टिंग चल रही है, ये गलत बात, मुझे नहीं समझ में आया। जी पहली बात तो इसको कांग्रेस से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। हमारी हर रैली में, हर सभा में, हर मीटिंग में भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बाकायदा भारत माता की जय के लगते हैं, जय कांग्रेस के लगते हैं, जय हिंद के जन नारे लगते हैं, इसको कांग्रेस से प्लीज ना जोड़ा जाए, ठीक है। जो अभी प्रवक्ता जी ने अभी बोला है ना, उसको क्लियर कर दिया। और दूसरा मैं एक बार ये बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, सर ने अभी जो है मेरे को दो बार जो है पुश किया, इसके लिए क्या माफी मांगेंगे? मैं रितु मैं क्लियर करता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ रितु मैं आप भी बैठिए, मैं हाँ नहीं किया, ये सच है, नहीं किया, ये सच है, ये नहीं किया। और मैंने पहले भी कहा वन बाय वन बोलेगा आदमी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, प्लीज सिट डाउन, मैं तय करूंगा जी पैनल पे, लगभग हड़ो पीछे 44 मिनट के बाद नंबर है जी। सवाल क्या भी है जी? डॉक्टर साहब ने आज कमाल कर दिया, डॉक्टर साहब बोले कि आज की बहस किस पर हो रही है, डिबेट का टॉपिक क्या है, यह हो रही है कि किंग्स वे था राजपथ और अब उसका नाम कर्तव्य पथ, ये इक्वेशन है, ये समीकरण है, उधर चल रही है एक भारत जोड़ो यात्रा, एक जो भारत को जोड़ने का है, और एक उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद से मुक्ति का एक पथ ये है जिसमें कर्तव्य बोध का ज्ञान होता है। देखिए भैया जी, सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि टॉपिक बड़ा विस्तृत है और यहाँ जरूर पूछ लेना चाहिए भैया जी, कहीं मैं मास्टर आदमी हूँ, टू दी पॉइंट उत्तर देता हूँ, टू दी पॉइंट, ये मुझे मालूम है प्रोफेसर हैं आप और आप भी डॉक्टर है ना? डॉक्टर ही नहीं है हम, डॉक्टर के ऊपर एक और डॉक्टर पोस्ट डॉक्टर फेलो है इसराइल, तो ये तो आधा समझ ही नहीं आया होगा, तीन चौथा समझ नहीं। खैर छोड़िए, आज का जो मुद्दा है उसी पे आइए। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज, ये बहुत अच्छी बात है कि स्वतंत्रता का स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मन रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से जो पंच प्रण दिए थे उसमें से उन्होंने एक प्रण ये भी दिया था कि हमें गुलामी की हर उस मानसिकता से बाहर आना होगा आने वाले 25 वर्षों में जो हमारे दिलो दिमाग में बैठी है। तो आज यदि राजपथ का नाम जो कि अंग्रेजी हिंदी ट्रांसवर्जन है किंग्सवे का, पर वो ये कहते हैं ये जो राज है इसमें जो राज है वो लोक है, बता रहे हैं। पर वो ये कह रहे हैं ये जो राज है उसमें लोक जुड़ा है। नहीं देखिए कर्तव्य पथ, क्योंकि वो कर्तव्य है, उन्होंने क्या कहा था पांचवी बात कि हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आप बाद में है, पहले देश के नागरिक हैं, वो उन्होंने कर्तव्य बोध भी कराया था। दूसरी बात, आज सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा भी लग रही है, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से 1938 में हरिपुर, सुनिएगा बात को सुनिएगा, नो डिस्टर्बेंस, आई रिक्वेस्ट यू हम्बली आई रिक्वेस्ट यू, आई नहीं ना, देखिए अपनी बात अपने अपने टर्न पे कहिएगा, ये जनता है। 1938 में हरिपुरा में वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1939 में त्रिपुरी में बने, कांग्रेस का जलन तब भी था, आजादी के बाद भी रहा। मैं पूछना चाहता हूँ सुनिएगा, 1978 में पहली बार जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब सेंट्रल हॉल में उनकी मूर्ति उनकी प्रतिमा वो चित्र लगा भैया जी। दुर्भाग्य है हमारे सेना नायकों को, हमारे प्रतीकों को, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों का ये अपमान, और 38 साल बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, साल बाद मोदी जी की सरकार आई तब फाइल खोली, और तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। एक बात, दूसरी बात, बार बार आज स्वाधीनता का जो स्वाद है उसका स्वाद, उस अमृत का स्वाद जनता को कोई दे रहा है तो पीएम भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। देखिए बार बार, देखिए क्या है समस्या, यही है, देखिए बार बार झूठ बोला जाता है, चाहे वो इनके नेता हो, इनके प्रवक्ता हो, कुछ भी उठपटांग बोल दिया जाता है टीवी में, बाद में कर दिया जाता है कि फ्रिंज एलिमेंट्स थे, इनको बाहर कर दिया गया, समस्या इस बात की, ठीक है। और रही बात ये बताएं, देखिए अब ये बात है, मैं अल्पना बीच में नहीं बोलेंगी, अल्पना आप बीच में नहीं बोलेंगी। रही बात, अगर हम यहाँ पे बात चल रही है आजादी की और स्वाधीनता की,
तो आजादी तो हमें वर्षों पहले मिल गई थी, अब उसके बाद आप आजादी के बाद जो है वो कर्तव्य आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप झूठे सिंबलाइजेशन पे क्यों राजनीति कर रहे हैं? आपका कर्तव्य है, कर्तव्य पत्र रख दिया, बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं? अच्छा काम किया, ये तो ठीक है ना? नहीं देखिए, नाम तो बदल जाए, सिंबलाइजेशन करिए कोई नहीं, लेकिन आप कर्तव्य तो निभाइए। राइट राइट, मैं आया। सुनिए, सबसे पहले जो ये यात्रा चल रही है इसका नाम इन्होंने गलत लिया है। इसका नाम होना चाहिए था पहले कुनबा जोड़ो, सर्वप्रथम समाज के लिए बाद में सोचा जाता है, पहले अपने परिवार को संगठित किया जाता है। तो राहुल जी, राहुल गांधी जी को सबसे पहले कुनबे को जोड़ना चाहिए, उसके बाद ये जो इनको कर्तव्य पथ से दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत इनको आज की नहीं है, दिक्कत इनको 2014 से हो रही है। क्यों? क्योंकि देश आज तरक्की कर रहा है, विकास का चहुमुखी डंका बज रहा है, इनको हजम नहीं हो रहा है। देखिए, मैं दो लाइनों से इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। ईमानदारों को मोदी कहर लगता है, बेईमानों को मोदी जहर लगता है, गद्दारों को मोदी कहर लगता है। कैसे हैं आप? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप, मैं जानता हूँ। लो नो, मैं ईशान, दिस इज वेरी बैड, और मैं ईशान, यू आर वेरी यंग, नो, हरी, बैठो, तुम बैठो। ईशान, will you please sit down? Will you please sit down? No. You will not dictate me. Otherwise, you can go. Go. You can go. You can go. Otherwise, you sit down, please. You will. आप बैठिए, चुपचाप बैठिए, अल्पना बैठिए, कोई नहीं, सब खड़े रहेंगे, सारे लोग खड़े होंगे, आप बैठेंगे, सारे लोग खड़े होंगे। ईशान, मैं, आप चले जाइए। मैंने अल्पना, आप डिबेट के बाहर जाएंगे, डिबेट के बाहर जाएंगी आप। सवाल पूछिए। कांग्रेस, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? आप सब साफ खड़े रहिए। ईशान, एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग, आई एम गिविंग, एंड यू आर डिस्टर्बिंग द डिबेट। प्लीज सिट डाउन। आइए बैठिए। नहीं, क्या की? नहीं, आप सुनना हो तो सुनिए, अदरवाइज कल से ना आइएगा कल से। जी, लो। 2014 से अल्पना, एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू ऑल्सो। मैं जब बोलूंगा तो आप नहीं बोलेंगी आप। दिस इज द लास्ट वार्निंग,
ईशान यू सिट डाउन एंड प्लीज डिपॉइंट जी।